आईपीएल 2024 में तीन टीमों को बड़ा झटका, तीन सुपरस्टार खिलाड़ी हो गए रातों रात टीम से बाहर, फंस गए धोनी और हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 से पहले तीन टीमों को बड़ा झटका लगा है और महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या फंस गए हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जिन टीमों को बड़ा झटका लगा है उनका नाम चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस है, और साथ ही इसमें सनराइजर्स हैदराबाद को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि तीनों टीम के तीन धाकड़ खिलाड़ी अगले साल होने वाले आईपीएल से बाहर हो गए हैं। और इसके पीछे की वजह हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम के लिए बाहर हो गया है और अगले आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएगा। राशिद खान, आईपीएल 2023 में राशिद खान ने हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में टीम की कप्तानी की थी। ऐसे में राशिद खान कप्तानी के नेतृत्व के रूप में भी एक बढ़िया खिलाड़ी है और साथ ही उनका प्रदर्शन तो टीम के लिए लाजवाब ही रहता है। राशिद खान T20 लीग में किसी भी टीम के बेस्ट प्लेयर हैं। ऐसे में राशिद खान का गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल 2024 नहीं खेलना ये बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल राशिद खान को इंजरी है और राशिद खान इंजरी की वजह से आईपीएल 2024 में नहीं खेल पाएंगे। खबरों की माने तो राशिद खान आईपीएल 2024 से अपने आप को बाहर रखने वाले हैं। जहां फैंस आईपीएल 2024 के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और नीलामी की हर पल की अपडेट मान रहे हैं, वहीं पर राशिद खान ने आईपीएल 2024 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। दरअसल राशिद खान बैक इंजरी के कारण आईपीएल 2024 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और वो अपने फिटनेस पर ध्यान देंगे। आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को खिताब जीतना होगा तो राशिद खान की कमी उन्हें जरूर पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि राशिद खान जैसा खिलाड़ी अगर टीम में ना हो तो टीम बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से हार्दिक पांड्या राशिद खान की कमी पूरी कर पाते हैं। बेन स्टोक्स, जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक्स भी आईपीएल 2024 में टीम से बाहर रहने वाले हैं। खबरों की माने तो बेन स्टोक्स अपने इंटरनेशनल करियर पर ज्यादा ध्यान देंगे और वो अपने आप को आईपीएल 2024 से बाहर कर लेंगे। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स को बेन स्टोक्स के जाने से थोड़ा नुकसान होगा तो थोड़ा फायदा भी होगा, क्योंकि बेन स्टोक्स वैसे ही आईपीएल 2023 में टीम के लिए ज्यादा नहीं खेले थे और एक टीम का बढ़िया खिलाड़ी अगर टीम से बाहर 2024 में हो जाएगा तो टीम को जरूर झटका लगाएगा। लेकिन बेन स्टोक्स की कीमत 16 करोड़ 25 लाख रुपए में है और अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उन्हें रिलीज कर देती है तो इतने कीमत में दो बढ़िया खिलाड़ी टीम में शामिल कर लेगी। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स उतरती है, वो अपने किस खिलाड़ी को बाहर करके किन खिलाड़ियों को टीम में लेकर आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बेन स्टोक्स का ना होना चेन्नई के लिए एक झटके की तरह है और देखना होगा कि किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी उनकी जगह भरते हैं। हालांकि आईपीएल 2023 में महेंद्र सिंह धोनी को उनकी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन हो सकता है कि आईपीएल 2024 में महेंद्र सिंह धोनी को बेन स्टोक्स की जरूरत पड़ जाए। लेकिन अब जब बेन स्टोक्स टीम में शामिल ही नहीं होंगे तो उनका विकल्प उन्हें जरूर ढूंढना पड़ेगा। हैरी ब्रुक को आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ 25 लाख रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा था, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि हैरी ब्रुक अपने बिजी शेड्यूल को देखते हुए आईपीएल 2024 में खेल से ब्रेक ले सकते हैं। दरअसल हैरी ब्रुक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड के ज़्यादातर खिलाड़ी अपने इंटरनेशनल करियर को ध्यान में रखते हुए ब्रेक ले लेते हैं, और ऐसे में हैरी ब्रुक हो सकता है कि अपने इंटरनेशनल करियर को ध्यान में देखते हुए ब्रेक ले लें, क्योंकि आईपीएल 2024 से ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी अगले साल होने वाला वर्ल्ड कप है। और हमने कई इंग्लिश खिलाड़ियों को देखा है कि वो अपने क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का हवाला देते हुए आईपीएल से ब्रेक ले लेते हैं। ऐसे में हैरी ब्रुक हो सकता है कि आईपीएल 2024 में खेलते हुए ना दिखाई दे और इससे सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इनमें से किस खिलाड़ी को उनकी टीम सबसे ज़्यादा मिस करेगी? कॉमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।